हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे हाल ही में आईटीसी की तरफ से एजीएम रखी गई थी, जिसमें इनके जो सीईओ हैं मिस्टर संजीव पुरी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। और सबसे अच्छी बात ये निकल के आती है, जो भी चीज़ें इन्होंने बताई है वो शेयर होल्डर्स को कंसिडर करते हुए बताई है। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ क्या सच में यहाँ पर आईटीसी में डीमर्जर होने वाला है। बहुत सारी ऐसी न्यूज भी आ रही है कि आईटीसी बहुत जल्दी बायबैक लाने वाला है, मैं ये भी आपको बताने वाला हूं। और यहां पे आने वाले टाइम में आपको आईटीसी में अगर आपने पोजीशन बना के रखी हुई है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस होने वाला है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाला हूं। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आईटीसी के फ्राइडे के मार्केट सिनेरियो के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि जो मार्केट है, शेयर मार्केट डेली न्यू रिकॉर्ड्स बना रहा है, डेली हायर साइड पे आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम देखें तो आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से आपको इसमें ठीक ठाक सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप देखो फ्राइडे को भी आपको इसमें पॉजिटिव साइड में मूवमेंट देखने को मिला है। ओपन हाई और लो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर वॉल्यूम भी इसका देखने को मिल रहा है। आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जिस पे शेयर होल्डर्स हमेशा से ही भरोसा करते हुए आए हैं, क्योंकि जो इसके फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो इसमें एक बड़ा मूवमेंट नहीं आता है। मैं डायरेक्टली अब आपको जो एजीएम के टेक अवे हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर संजीव पुरी ने बताया है कि आईटीसी यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने वाली है, जिससे वो अब यहाँ पर टोटली कंज्यूमर सेंट्रिक बनने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईटीसी का जो बिजनेस है वेल डाइवर्सिफाइड है, जिसकी वजह से कभी कभी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो काम नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो स्ट्रेटजीज हैं उसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चेंज करने वाले हैं, सो डैट कंपनी को कंज्यूमर सेंट्रिक बनाया जाए और आगे से इस चीज का बेनिफिट दोनों ही शेयर होल्डर्स और कंपनी दोनों को ही देखने को मिले। इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बताया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में जितना यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ था उससे डबल अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ई कॉमर्स के बिजनेस में देखने को मिला है। तो ये एक अच्छी चीज़ निकल के आती है आईटीसी में कि अगर एक बिजनेस अच्छा नहीं कर पा रहा या इम्पैक्ट हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो की वजह से, तो वही जो दूसरा बिजनेस है वो उस चीज़ को थोड़ा सा कवर कर लेता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ निकल के आती है। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो ई कॉमर्स से बिजनेस हुआ है वो डबल हुआ है इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 2021। यहाँ पे उन्होंने सिगरेट के बिजनेस के बारे में भी बात करी। सिगरेट के बिजनेस में उन्होंने बताया जो प्री कोविड सिनेरियो था उसी लेवल पे अब फिर से सिगरेट का जो बिजनेस का रेवेन्यू निकल के आ रहा है वो वहां तक फिर से पहुंच गया है। तो जो इनका मेन रेवेन्यू जनरेट होता था सिगरेट से वो अब फिर से उसी लेवल पे आता हुआ जा रहा है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे क्लियर करते हुए बताया है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या आईटीसी में डीमर्जर होने वाला है या फिर नहीं। एनुअल जनरल मीटिंग में जब मिस्टर संजीव पुरी से पूछा गया कि क्या यहाँ पे आपको लगता है आईटीसी के जो इतने सारे बिजनेस हैं उसमें डीमर्जर करके डिफरेंट कंपनीज बनानी चाहिए, सो डैट जो कंपनी की ग्रोथ जो रुकी हुई है वो बढ़ जाए, तो उन्होंने यहाँ पर जो जवाब दिया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा ये बोला है कि अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो आईटीसी कोई भी डीमर्जर के बारे में नहीं सोच रही। जो होटल का बिजनेस है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है कोविड सिनेरियो की वजह से, जिसकी वजह से वो यहां पे ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और जैसे होटल का बिजनेस जैसे पहले चल रहा था वैसे ही हो जाएगा, उसके बाद डीमर्जर के बारे में सोचा जाएगा। मतलब उन्होंने पूरी तरीके से यहां पर डीमर्जर का डिनाई नहीं किया, लेकिन करेंट मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि अभी डीमर्जर पॉसिबल नहीं है होटल के बिजनेस
बिजनेस में। वहीं अगर आईटी के बारे में बात करें तो उन्होंने बोला है कि ये भी एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्टर है जिसमें डीमर्जर हो सकता है, लेकिन सेम सिनेरियो इसके लिए भी बोला है कि यहाँ पे हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो जो कोविड सिनेरियो चल रहा है उससे पूरी रिकवर जब हो जाएगी सिचुएशन, उसके बाद कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे जिससे इसमें आपको डीमर्जर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो कोई भी डीमर्जर नहीं होते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज पे पर्टिकुलरली प्रॉपर अच्छी तरीके से आंसर दिया और बताया कि अभी कोई भी यहाँ पे डीमर्जर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में आपको डीमर्जर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें बायबैक के बारे में तो यहाँ पे एक न्यूज निकल के आई थी जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। संदीप सबरवाल की तरफ से एक बयान दिया गया था, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो आईटीसी की ग्रोथ रुकी हुई है या फिर इनके जो शेयर प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं है, उसका केवल एक ही यहाँ पे सॉल्यूशन निकलता है। अगर आईटीसी यहाँ पे बायबैक ऑप्शन ले आती है तो आईटीसी यहाँ से ग्रो कर सकती है। ऐसा यहाँ पे संदीप सबरवाल की तरफ से बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बोला है कि ये केवल एक ही ऐसा सॉल्यूशन है आईटीसी की ग्रोथ के लिए कि वो यहाँ पे अब बायबैक ऑफर ले आए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एजीएम के तो संजीव पुरी ने यहाँ पे कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो कि रिलेटेड निकल के आए बायबैक से। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो सीईओ की तरफ से यहां पे बायबैक के ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया गया है, लेकिन लोग यहां पे जो हैं वो राय दे रहे हैं कि आईटीसी की जो ग्रोथ रुकी हुई है उसके लिए यहां पे अगर बायबैक ऑप्शन आ जाता है तो इसमें आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आईटीसी की ग्रोथ में। तो ये तो सारा सिनेरियो निकल के आ रहा था जो इनके एजीएम में निकल के आया और मैंने आपको बायबैक के बारे में बताया है। वहीं अगर हम बात करें, जब मिस्टर संजीव पुरी से पूछा गया कि जब आप ये बोल रहे हो कि ग्रोथ दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है या फिर रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो शेयर का प्राइस क्यों मूव नहीं कर रहा, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि जिस अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस है कंपनी की, जिस अकॉर्डिंग रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है या फिर जिस अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखो जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग अगर शेयर प्राइस देखा जाए जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यूड दिखाई देता है। और उन्होंने यहाँ पे अश्योरिटी दी है कि आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो आईटीसी का शेयर प्राइस बहुत हद तक आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है उसके शेयर प्राइस को इतने दिनों तक इतने कम रेंज में नहीं रखा जा सकता। तो ओवरऑल इन्होंने इसके शेयर होल्डर्स को कंसीडर करते हुए अश्योरिटी दी कि आईटीसी का जो शेयर प्राइस अभी जो रुका हुआ है वो आने वाले कुछ ही समय में आपको बहुत ऊपर जाते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज निकल के आई शेयर होल्डर्स के लिए और यहाँ पर जो अश्योरिटी निकल के आई सीईओ की तरफ से। तो जहां तक मुझे भी लगता है आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो आपको बहुत अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है, क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और अभी जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यूड ही नजर आता है। तो यहां से आप अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो आईटीसी में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आपको यहां पे सारी चीजें क्लियर कर दी है। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।